नमस्कार दोस्तों, देखिए एक मोटिवेशन लेकर आप, छोटा सा मोटिवेशन जिससे आपको सीख मिलेगी। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो सोयाबीन, जो हमारे कांटल क्षेत्र की सबसे मुख्य फसल है, जो बरसात के मौसम में इसकी बुआई करते हैं। कुछ समय पहले इसकी बुआई हुई है, लगभग सप्ताह भर हुआ है और इसकी बुआई हुई है। बुआई होने के बाद आप देख सकते हो, कुछ समय पहले इनकी स्थिति बीजों के रूप में इस प्रकार से थी, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, कठिन संघर्ष किया, इतना अधिक संघर्ष किया कि ज़मीन के अंदर बुआई के बाद ये पौधे के रूप में बाहर निकल गए, जिनको आप देख सकते हो, हरे हरे जो पौधे दिख रहे हैं आपको अपने आसपास, ये सारे उनको देख सकते हो, ये सारे सोयाबीन के। कहने का मतलब ये है कि रीट परीक्षा में जो सर्वाधिक संघर्ष करेगा वही निखरेगा, जो तपेगा वही कुछ बन के निखरेगा। संघर्ष क्या होता है ये हम हर किसी से सीख सकते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जिसके माध्यम से संघर्ष क्या होता है। और संघर्ष वास्तव में, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो तपेगा वही निखरेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, ये मेरे हाथ के अंदर, मेरी हथेली पे आप देख सकते हो, ये है सोयाबीन, जो हमारे इधर इसकी बुआई करते हैं खेतों में। कुछ दिन पहले हमने इसको खेतों में बुआई की थी, इन्होंने ज़मीन के अंदर इनको डाला था, इन्होंने संघर्ष करके अपनी ऊर्जा जितनी भी थी वो लगा के, कुछ समय बाद आप देख सकते हैं, एक सप्ताह के अंदर ये ज़मीन के अंदर से संघर्ष करके बाहर निकले और एक हरितमा, हरियाली के रूप में, यानी अपने आप का वजूद बनाकर बाहर निकले। ये बीज थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन एक पेड़ पौधे के रूप में ये बाहर निकले, जिनको आप हरियाली के रूप में देख सकते हो। ये सारे आपको दिख रहे हैं हरियाली वाले, ये सोयाबीन ही है। ये जितने भी आपको हरियाली जहाँ दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब सोयाबीन ही है।